हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। यानी ये कलरलेस लिक्विड दिया गया है तो वो प्योर वाटर है, या आप कैसे कंफर्म करोगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कि कोई भी प्योर सब्सटेंस हो, हर प्योर सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है। किसी भी प्योर सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगी, ठीक है। तो प्योर लिक्विड जो हमको दिया गया है, अगर वो प्योर है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगी, ठीक है। तो प्योर लिक्विड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बॉइलिंग पॉइंट से कंफर्म कर लेंगे जो हमको कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो प्योर वाटर है या नहीं, क्योंकि प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा बॉइल कर जाएगा। तो हमको जो गिवन कलरलेस लिक्विड है उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेंगे। अगर पूरा का पूरा लिक्विड एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया, पूरा का पूरा वेपर बन गया और कुछ नहीं बचा, तो हम मान लेंगे कि वो जो गिवन कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है। लेकिन अगर वो जो गिवन कलरलेस लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम भी उसकी बॉइलिंग पॉइंट हुई, या उसको बॉइल करने पे कुछ बच भी गया, तो वो प्योर लिक्विड प्योर वाटर नहीं होगा। मतलब वो प्योर वाटर नहीं होगा, वो लिक्विड प्योर वाटर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ या तो इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। क्योंकि प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही होती है कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इफ इफ गिवन लिक्विड गिवन कलरलेस लिक्विड इज बॉइल्ड कंप्लीटली, एट एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर लिक्विड बॉइल कर जाए, तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, प्योर वाटर की ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। विदाउट लीविंग एनीथिंग, देन इट इज अ देन जो गिवन कलरलेस लिक्विड है वो क्या है, प्योर वाटर है। Then it is pure water. यानी कि हम boiling point से हम पता लगा लेंगे कि जो हमको colorless liquid दिया गया है वो pure water है या नहीं। कैसे पता लगाएंगे, वो 100 degree Celsius पे पूरा का पूरा boil हो जाना चाहिए, क्योंकि water की जो characteristic boiling point होती है वो कितनी होती है, वो 100 degree Celsius होती है pure water का, ठीक है। अगर if boiling point of given liquid is slightly above or below 100 degree Celsius, अगर 100 degree Celsius उसकी boiling point थोड़ी सी भी कम या ज्यादा हुई, या एनीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड बिहाइंड ऑन बॉइलिंग, यानी बॉइल करने पर अगर कुछ बच भी गया तो जो गिवन लिक्विड है वो प्योर वाटर नहीं है, इट इज नॉट प्योर वाटर। तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट
होंगी जरूर, क्योंकि अगर प्योर होता तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस होती, या उसको बॉइल होने के बाद कुछ पीछे बचता नहीं, पूरा का पूरा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अच्छा ये पूरी की पूरी कंडीशंस क्यों जो 100 डिग्री सेल्सियस उसका करेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का, वो होता है एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 atm प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट से पता लगा सकते हैं कि हमको जो गिवन कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है या नहीं। कैसे? कि अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पूरा बॉइल हो गया तो वो गिवन कलरलेस लिक्विड प्योर वाटर है, वरना नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।